लगा रहा हूँ सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ देता हूँ अजीत जी, अगर आप कहेंगे कोर्ट कर लीजिए आप पहले जी। अरे हम सुनिए सुनिए शिवम जी, जी तो सही जी सतीश जी। नहीं देखिए शिवम त्यागी जी, इस बात ये सच है कि सत्ता आज आपके हाथ में, लेकिन उड़ान सत्ता के पंख लगा के नहीं होती, उड़ान हौसलों से होती है। और आज उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में ये हौसला पैदा हुआ है। और देखिए व्यवस्था परिवर्तन की आप चिंता ना करो, व्यवस्था में परिवर्तन होगा। सतीश जी सत्ता जनता की होती है, हम पारिवारिक फैमिली प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। 20 साल में एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी अगर कोई बना तो वो बहन जी के भाई ही बने। हम प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, बीजेपी की सरकार में सत्ता जनता के पास होती है। तब पिछड़ों को पीछे कर देते हैं और अगले को आगे कर देते हैं, मुख्यमंत्री का नहीं। अरे आपके लिए तो दलित मिश्र बहन जी है, उनका परिवार ही दलित है क्या? मुझे खुशी होगी अगर आपको कोई मौका मिले तो, मुझे खुशी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम दलितों का रिप्रेजेंटेशन का अनुसार किया। आप तो बहन जी के अलावा किसी को दलित ही नहीं मानते, उनको झूठ बोलते टोपी पहनाते हैं और उनसे वोट लेते हैं, और जब उनको ताकत देने का समय आता है तो सब कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं। वन बाय वन, वन बाय वन, शिवम शिवम लिसन लिसन, क्योंकि वो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के आज इस देश में। ठीक है सतीश जी, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान नाराज हो जाएंगे, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान। देखिए प्रदीप जी, जी देखिए प्रदीप, राइट, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन जी, जी डॉक्टर अजीज खान। देखिए प्रदीप जी, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ शिवम जी बौखलाए हुए हैं। देखिए धार्मिक जमात की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, अरे साहब आप विकास की बात भी करिए। आज आबादी के हिसाब से हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या बुरी बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं वोट तो आप ले रहे हैं, आप लगातार डंका पीट रहे हैं कि हमने 27 मंत्री ओबीसी और एससी समाज के बना दिए, सब कागज में बना दिए। आप प्रैक्टिकल आइए ना, आप उनको आरक्षण क्यों नहीं दे रहे? उनको आबादी के हिसाब से आरक्षण दीजिए। अति दलित 17 अति दलित है, अति दलित जातियां हैं, उनको आप 13.5% आ रहे हो जफर भाई, आ रहे हो आप ही के पास आ रहे हो। और सर सुनिए, किस तरीके से दलित समाज 22% उसको मिल रहा है, पिछड़ी समाज को 27%, टोटल जो आ रहा है 62.5%, इसको तमिलनाडु के हिसाब से, जैसे तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया गया। आप केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं उत्तर प्रदेश उसको रिकमेंड करे धारा 9 के अंतर्गत और वो आरक्षण लागू करे, तब हम समझेंगे कि आप दलित हितैषी हैं, आप पिछड़े समाज हितैषी हैं, अति दलित हितैषी हैं। कम से कम जो आप मैं जी, राइट सर, राइट सर, डॉक्टर अजीज खान ने अपनी बात कही, मैं जवाब, लेकिन ये मैं नहीं 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 ताकि नहीं नहीं डॉक्टर उनका जफर भाई का चांस है, जफर भाई रिस्पॉन्ड करेंगे जी, जी, जी। लोग तो बड़े हैं उनसे लीजिए जी। अतिशय प्रेम में, अतिशय प्रेम में ये ना भूल जाइए, अतिशय प्रेम में मतलब मेरा कहना कि वोट के चक्कर में इतना ना भूल जाइए कि समाज भी रहता है इसमें जी। जी जबर भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ डॉक्टर अजीज खान सिर्फ ये कह दे कि हमें MY कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, हमें समाज के सर्व वर्ग का वोट चाहिए, ये कह दे कि MY कॉम्बिनेशन जो इनका जो नारा है ये सबको मालूम है, ये सिर्फ मुस्लिम को लुभाने के लिए ये वोट अपना वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर ये बाकी समाज के बारे में बात कर रहे हैं। आप हकीकत बताइए, आपका आपका जो हकीकत है कि आपने बराबर मुस्लिम समाज को और इस्तेमाल किया है अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, लेकिन अब वो नहीं चल रहा है, अब वो आपका पिछले हर बार फेल हो रहा है। आप यही जो सतीश प्रकाश की पार्टी ने भी की, सतीश प्रकाश की भी पार्टी की, वो भी फेल हुए, आप भी फेल होइएगा, क्योंकि मुस्लिम समाज समझ चुका है कि आज उस पार्टी के साथ रहना चाहिए जो बिना भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम करे। आप तो भेदभाव से काम नहीं करते, आप अगर नहीं, अरे आपको क्यों परेशानी हो रही है? अरे सुनिए सतीश जी, सतीश जी, सतीश जी, सतीश जी, तो आपसे सिर्फ कितना कह रहा हूँ कि आज आपको ब्राह्मणों की क्यों आज आ गई? आपने सतीश जी जवाब दीजिए, सतीश जी ब्राह्मण हाँ सतीश जी, सवाल सुनिए, आपको राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना, वर्ग किसी न किसी वर्ग को आप इस्तेमाल करना राजनीतिक फायदे के लिए, ये बहुत क्लियर दिखता है, और इसलिए समाज समझ चुकी है कि आप जैसे लोग जो दोनों पार्टियां हैं वो समाज को इस्तेमाल करके सिर्फ सतीश प्रकाश जी जवाब दीजिए, खुद का फैमिली का फायदा करते हैं,
निजी फायदे के लिए, और हम जो है समाज में जाकर सेवा करते हैं, इसलिए समाज के हर वर्ग के बिना भेदभाव हम सेवा करते हैं, सब समाज का हर वर्ग हमारे साथ है। और आपका ये जो स्टंट है बैकफायर करेगा, आपके मुंह पे गिरेंगे, गिरेंगे। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं आप पिछले 2014 से जफर भाई आपका तो आपका नामो निशान खत्म हो गया है भाई उत्तर प्रदेश से, और उसके कारण है बहन मायावती, उनके काले करतूतों की वजह से, उनके काले करतूतों की वजह से आपकी पार्टी का नामो निशान खत्म हो गया। आप ठीक है, ठीक है जफर भाई, ठीक है, ठीक है। आप कारनामा तो देखिए, सतीश जी को बोल दीजिए, देखिए कितने कारनामे हैं जफर भाई, सतीश जी को जफर भाई प्लीज ऑडियो आपके पास आप जफर भाई जी, सतीश जी जवाब आपको ये क्या करना है कि उनको चुनाव जीतना है या महामारी के खिलाफ लड़ना है। आज इस देश में चर्चा ये होनी चाहिए थी देश के प्रधानमंत्री जी को। ऑडियो डाउन सतीश जी का ऑडियो डाउन। मैं यही तो सवाल पूछ रहा था इतनी देर से कि कोई बात कहे तो ये आके तीसरी लहर को लेकर कह रहे हैं कि आई नहीं है, दूसरी लहर तो गई नहीं, खतरा ये है, और आपने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। सवाल तो ये आपने मुझसे पूछ दिया, ये चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा मैं आपसे पूछता हूं सतीश जी कि ये बात ये क्यों कही गई, ब्राह्मणों की वाली बात क्यों कही गई? मैं तो यही जानना चाह रहा था, आज की बहस का जो लब्बो लुआब है वो यही जानना चाह रहा था कि आखिर क्यों हमें चर्चा तो उसी पे करनी चाहिए थी। सतीश जी इसका जवाब चाहिए मुझे। उत्तर प्रदेश सरकार को 50,000 करोड़ रुपए है। नहीं ये मोनोलॉग नहीं सतीश जी, या देखिए मोनोलॉग नहीं आप सुनते नहीं है, सवाल जो है नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा। मैं आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि चर्चा तो होनी चाहिए थी इस पर, जिस पर होनी चाहिए थी कि कोरोना को लेकर दूसरी लहर खत्म ही नहीं हुई, केसेस फिर बढ़ने लगे, चर्चा इसी पे होनी चाहिए थी। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि ब्राह्मणों की वाली बात कि सबको देख लिया, अब आप फिर से आए, तब लगता है कि क्यों आप आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं? आप ही ने तो छेड़ी बात, हमने तो बात उठाई सिर्फ आपकी बात को। सतीश जी देखिए प्रतीक जी, आप एक बात तो सुनिए, ब्राह्मण को भी भूख लगती है, ब्राह्मण को भी रोजगार चाहिए, उसकी बेटी भी असुरक्षित है, ब्राह्मण को भी कोरोना होता है। आपने मेरा सवाल नहीं सुना, बहुत अफसोस है, सवाल नहीं सुना आपने जी। एक जाति को आगे बढ़ाने जी, प्रतीक जी मैं त्यागी ऑडियो डाउन, सतीश जी का ऑडियो डाउन, प्रतीक जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए 10 सेकंड आपके, फिर डॉक्टर अजीज के 10 सेकंड। ये है कि इस समय अगर न्यूज 18 इंडिया का व्यूअर देख रहा होगा तो बीएसपी और समाजवादी वालों पर किस तरह से हंस रहा होगा। मैं एग्जांपल देता हूं कैसे, सामाजिक न्याय की बात करने वाले दोनों लोगों का अपना स्ट्रक्चर तो देख लीजिए, बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनके बेटे पार्टी में सबसे ऊपर, बाकी इस देश में कोई दलित नहीं है क्या? अब दूसरी वाले पे आ जाते हैं, पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके दोनों भाई राष्ट्रीय महामंत्री, उनके बेटे प्रदेश अध्यक्ष, उनके भाई के बेटे सांसद, 35 लाल बत्तियां थी आपके परिवार में, और प्रदेश में कोई यादव नहीं है सामाजिक न्याय सरकार में, मिलके मलाई खानी होती है, और जैसे विपक्ष में जाते हो सारी दुनिया के समाज कल्याण आपको याद आ जाते हैं। डॉक्टर अजीज खान 10 सेकंड राइट सवाल आपको पूछ लिया, उनके आगे कौन, जो प्रधानमंत्री है उनके आगे कौन? भाई देखिए देश की जनता ये नहीं भूली है कि साहब पंकज सिंह कौन है, साहब दुष्यंत सिंह कौन है, आशुतोष टंडन कौन है, ये देखिए आप दिखाइए कुछ और करिए कुछ और, ये देश की जनता समझ रही है। दूसरी बात, अभी जो बड़ा इंपॉर्टेंट चर्चा हो रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा साहब बाहुबली बनिए, साहब बाहुबली कैसे बनेगा, आपके पास तो वैक्सीन ही नहीं है, आपने जो किया था कि साहब नहीं मैं रोक रहा हूँ, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक ओवर निकल गया, मैं ओवर निकल गया ब्रेक का।